बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो S48 न्यूज़ HD और आज दे S48 न्यूज़ दे उते जिस तरह के हर हफ्ते दे एक नवी शहरी दे नाल प्रोग्राम किया जाता है। अज असी पाकिस्तान दी एक बहुत मारूफ धरती पाकिस्तान दे विच इक ना शाहीना दे शहर सरगोदा तो उन्हां दी तहसील कोट मोमन तो नाल तहसील कोट मोमन के नाल कच्चा गुरना पठाना का दरिया की कद्दी इस हवाले नाल अज जनाब होरां दे कोल असी हाजिर होए हां और असी जनाब होरां नूं विखा रहे हैं प्रोग्राम अज दी महफिल मुशायरा। अज दे साडे मेहमान ने डॉक्टर जफर जवेद सलीम साहब मारूफ शहर ने जिन्हां दा ताल्लुक कद्दी नाल है दरियाए चनाब दे नाल कच्चा गुरना पठाना का तहसील कोट मोमन का एक इलाका है दरिया चनाब का। तो चनाह की कद्दी के लोग अपने ख्यालात का इजहार किवें करते हैं इस हवाले अज असी प्रोग्राम कर रहे हैं महफिल मुशायरा। तारफ मैं करा दिता तो अज का महफिल मुशायरा शुरू करने तो पहले डॉक्टर जफर जवेद सलीम साहब साढ़े नाल ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? सेहत तबीयत जी खैरियत अलहमदुल्ला भाई। तुहाडी चनाह की कद्दी के लोगों की बड़ी तारीफ सुनी कि चनाह की कद्दी के लोग बड़े शहर होंगे ने। कोई शक नहीं है। अपने मुर्शिद की तारीफ उस तो बाद चनाह दे सारे हालात दस दे जी। बिस्मिल्लाह नाज़रीन आओ जफर जवेद सलीम साहब जिहड़े पंजाबी शहर ने उन्हां कोलो उन्हां दे मुर्शिद की तारीफ सुनते हैं फिर उस तो बाद चनाह की कद्दी की तारीफ के चनाह की कद्दी किवें आशकां की कद्दी है। आओ जी जी जफर साहब बिस्मिल्लाह शुरू करो। बिस्मिल्लाह मैं सागा पाक करोड़िए दा हिन ओ मेरी पहचान है तिलता कोई नहीं होर उनांदे जिया फिरी बैठा यार जहान है ते कोई कुछ वद्दा आखे ओदी मर्जी अपनी हिन मेरा दीन ईमान है जीवन बचड़े मुर्शद फैसल दे दुआई मंगदा जफर पठान। वाह 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 क्या बात है जी। अपना डॉक्टर साहब ये भी दसो कि तुहाडे मुर्शद जिहड़े ने उन्हां दा ताल्लुक कित्थों किस घराने नाल ताल्लुक है किहड़ी जगह ते ने फिर उस तो बाद दुनियादारी वाल शुरू होवांगे। मेरे मुर्शद बादशाह लजपाल सखी शाह जीवना पाक करोड़िए बादशाह दे पोते ने जी जी सखी गौस महमूद आजाद शाह दे बेटे ने ते सखी साले आजाद शाह दे पोते ने। अच्छा ते उन्हां दा ताल्लुक जंग नाल है और जंग दे विच ओह सब तो मरूफ हस्ती है हजरत पीर सखी शाह जीवना पाक करोड़िया ये उन्हां दी औलाद हैं ते उन्हां दा ताल्लुक हजरत इमाम अली नकी अलैहि सलाम नाल नामी पोस्ट जा मिलता जी। अगो उन्हां दी जेरे नज़र तुहाडे एक होर उन्हां दी तारीफ दा दौरा ते उस तों बाद ये तुहाडी दुनियादारी जी। बिस्मिल्लाह अज पाल जिहोयो सखी दा बचड़ा मेरा मुर्शद पाक बुखारी ते बार जोली चा मस्कीना दी पिया कर दई जफरी जारी तू बचड़ा है अली नक्की दा हक सच दिए पाक कचारी तेनू दुनिया पीर करोड़िया दी तेरी जागते है सरदार। वाह 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 क्या बात है। नाजरीन तुसी वेख्या सब तो पहले जफर साहब ने अपने मुर्शद की तारीफ की थी। लो जी हुण सानू दसो चनाह दी कद्दी दे बारे। चनाह दी कद्दी जी चनाह दी कद्दी जिहड़ी है आशकां दी किवें कद्दी है इस बारे दसो सानू। चनाह ते दो दोस्त हैं जी 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 उन्हें वादे वईद कीते जिंदगी इकट्ठे गुजारन दे जी जी कुछ अरसे तो बाद वो फुट गए फुटन तो बाद एक दोस्त दूजे दोस्त शिकवा कर रहा अदा बचंगा रे आए गल ते तेनू के आखा मेरा सज्जन चनाह दा वासी ते चंगी रखी आई लज हत्थां बद्दियां दी वध गई है होर उदासी। वाह वाह हुण प्यार दा लफज जे कोई आखे पै वैना सज्जन क्या सी तेनू जफरी याद जरूर उसी जदों वक्त ना सिर तेरा सी। वाह 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 क्या बात है जी क्या बात है। पहली गल की थी दूजी गल की थी सदा मेनू छोड़ के आए अगा सोच के लामी ना बाद च रही अरमान है ते बुल बुल बन के तेनू हर कह लुटना है पैरों कर लई सज्जन पहचान है। वाह वाह मत समझे सारे लगते हैं ठग बाजई डोल जहान है ते इंज कोई ना ते इत्थे सिर देसी जिवें देंदा ही जफर पठान है।
वाह 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 क्या बात है। उसने उस दुनिया को वडेरिया को बजुर्गों को कां बोले तो सज्जन हुंदा, आटा उड्डे तो मेहमान हुंदा। वो कां आया उसके मकान की मंडेर ते बह रहा, उस चूरी रखी कां खाधी, कां कां करता उड गया। इस आस विचों काफ़ी दिन गुजर गए, रोजाना चूरी रखे कां आवे खा के टुर जाए। एक दिन कां आ बैठा, उस कां कां कीती ते कां नाल गल कीती, चूरी ना खावी कां दा क्यों अदा ब, तेनू शर्म नहीं आती काले कावा नित आ के चूरियां खाना है। वाह वाह, ते आज सज्जन पे मैनू मिलन आउंदे इहो कूड़ मरेंदा राना। अच्छा, करके कूड़ी कां कां तू मैथों घर सजवेंदा राना है, कदी आ के जफरी नू सज्जन मेरा नी बुआ खोल उचे चा बंद। वाह वाह, कां अगो गल कीती कां दा, मिथे कूड़ दे ना इल्जाम तू ला गल जफरी खोल सुनाना, ते मैं तो उस वेले उठ दऊं कोठे तू जदो हुंदा है सज्जन रवाना। वाह वाह, ते जदो मोड़ वलेंदे ही बन तू ओ रा तेरे आ कोठे ते बाना, अगो पाक नहीं किदे ओ वग वेंदे ही घरों आंदे ही मिलन रोजाना। वाह वाह, उदी जात दे कान जहान बराबर तुसी फर्क गतेंदे वत्तो, ते सतो कतन हजूर दा गिला नहीं आंदा तुसा गलत सुचेंदे वत्तो। वाह वाह, थोड़े अकल दी गल के आखां अक आम समझेंदे वत्तो, ते थोड़ी संगत तो जफरी पुर बाशे हुन मौज करेंदे वत्तो। वाह वाह, उद्दी जात तू हर वेले डरिया कर, उच्चे बोल नू रब नू बांदे, जे फखर करन ता यूसुफ जे विक मुल अटियां दे जांदे, शाह अक्सर तख्तो डह वेंदे ते वत मर जेलां विच जांदे, जदों पर तकदीर मरेंदी ए जफरी कुस पुत्र नबियां दे जांदे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि तुहाडा ये जिहड़ा शायरी दा सिस्टम है, शायरी दा शौक तुहानूं किवें लगा? मैं मेरा भाई जंग जिंदगी का काफ़ी अरसा गुजारिया, उस अरसे दे दौरान जंग दे विच इश्क और शायरी दो चीज़ां जिहड़ियां ये पाइया मिलदियां, उन्हां जंग दे लोकां नाल घुल मिल गया, उन्हां दे विच मैं इंज आई कि जिवें उत्थों दे मैं मकामी है सी उत्थों दा, यानी कि वसने की उत्थों दे जी, उन्हां लोकां दे नाल घुल मिल वजण दी वजह तो मैनूं इस चीज़ का शौक होया। ते मैं किबला आबद हुसैन तमीमी साहब अल्लाह करवट करवट जन्नत देने चिड़ियोट तो आन और एक शहरी दे विच बहुत बुलंद मकाम आई उन्हां दा, उन्हां दी शिगिरदी च आया जी, तकरीबन 82-83 दी बात है, 80-82 च उन्हां कोल काफ़ी अरसा उन्हां दी शिगिरदी दे विच रहा, उत्थों मैं इस शहरी वाले जनाब। अच्छा, ये तुहाडे जिहड़ा चनाह दी कद्दी है, इस चनाह दी कद्दी दे विच होर कितने शायर हैं इत्थे जिन्हां तुसीं जानदे हो? इत्थे जनाब बड़े बड़े बुलंद पाया शायर हैं, मार नज़ीर साहब हैं जी। अच्छा, मार नज़ीर साहब दी गल आई है नादरीन, मार नज़ीर साहब दा एक शेर मैनूं याद आ गया ते मेरा दिल चाहुंदा कि मैं तुहानूं सुनाई जावां। मार नज़ीर साहब अदबी दुनिया दे एक बहुत प्यारे शायर ने और शायरी दे विच उन्हां दा पूरे मुल्क विच बड़ा नां है। उन्हां दा एक शेर है कि वड्डे कद नाल आदमी वड्डा नहीं हुंदा, चंगे जे औसाफ ना होवन। जफर साहब जी जी, मैं बड़े वड्डे कद नाल आदमी वड्डा नहीं हुंदा, चंगे जे औसाफ ना होवन, अंदरों होर ते बाहरों होर हुंदे जिहड़े नीयत ते साफ ना होवन, ते शाला सज्जन नज़ीर हलाली होवन। बेशक बेशक, शाला सज्जन नज़ीर हलाली होवन, कदी ऐद खिलाफ ना होवन, उत्थे सोना भी पित्तल दे भाव विकदा जिथे लोग सराफ ना होवन। जी बेशक, चूंकि मार नज़ीर साहब का जिक्र आया ते साढ़े ते फर्ज सी क्योंकि असी उन्हां दी गल जरूर करनी। इनशाला नादरीन, मार नज़ीर साहब की शायरी जिहड़ी है वह भी इनशाला ताला तुहानू इस S48 न्यूज़ HD दे उत्ते विखाई जाएगी। इंशाल्लाह अगले साढ़े मेहमान जड़े होंगे वो आबद साहब होंगे, शायर मार नज़ीर साहब की शायरी, यह सारिया चीज़ा इंशाल्लाह नाल नाल चलदिया रहनगियां जी। जफर साहब उन्हें तो बाद जनाब हाजी बशीर नदीम साहब हैं जी जी, लक्सियां तो उन्होंने जनाब लक्सियां उन्होंने तलक है, स्कूल टीचर हैं,
बहुत मुअज्ज़ज़ आदमी और बुलंद पाया शायर हैं जी। अच्छा जी, बशीर नदीम साहब। अच्छा, सारे इलाके दी एक को जानी पहचानी शख्सियत हैं जी। ठीक है, शहरी दे विच इक लग जाने पहचाने दे विच उन्हां दा एक जाने पहचाने ना ना है जी। ठीक हो गया। अच्छा हुण सन अगे की सुनाओगे जी? अगे तुसां हुण इरशाद फरमाओ जो दुनियादारी दा कोई को प्यार मोहब्बत दीयां गल्लां। इस दुनिया दे विच प्यार दी चीज जिहड़ी ना ओह इक धोखा। ठीक है, जिस नूं वी तुसीं प्यार करोगे ना ओह बंदे ही तुहानूं धोखा देवेगा। ठीक है, किसे ते जितना तुसीं कुर्बान होगे इतना तुहाडे ते नफरत करेगा। यानी जितना उस उत्ते एतबार इतमाद करोगे कोई बंदा तुहानूं धोखा देगा। ओह धोखा देगा। ठीक हो गया। इस वास्ते जिहड़े इह शहरी है ना जी इह शुरू ही इत्थों होई है कि जिस वक्त तों ठोकर लगदी धोखे खांदे ने उस वक्त ठोकरां खाण नाल पत्थर दीआं नोकां भुर जांदीआं। शहर उस वक्त बनता जिस वक्त ठोकर लगती दिल ठोकर लगती दिमाग ठोकर लगती और दुनिया के जुल्मा तो थक कार के शहरी वाले लफज वो जो लफज कोई नहीं बना लेने एक कोई टकनीक है यानी कि एक दिल की आवाज होंगी जो भी दिल ठोकर लगती उदो लफज आप ऑटोमैटिक। जफर साहब मैं नाजरीन नाल भी शेयर कर दिया मैं तो एक गल चुके जी मेरे नॉलेज आए मेरे इलम आए उस मैं ये चीज़ वेखी है कि शायर जो दुख नाल भरी वा ना तो वो दिल में तकलीफ होंगी वो जिगर सड़दा है फिर वह गल करता है ओनू असं शायरी आते हैं। हाँ, अंदर की अपनी जी अंदर की आवाज आवाज अंदर का दुख अंदर का जोड़ा सारा निजाम हों यानी कि अंदर की जितनी भी अंदर राज होंगे तकलीफा आदि वो उन्होंने जिस वक्त अगर दोस्ती बना ले जिहड़े मुखालफ आन गैरा नाल उस अपनी जा संगत यानी रकीबा जा बैठा जी बैठा उस वक्त उसने एक गल की थी नवे सांगे यार नसीब होनी बसान छोड़ गया नवे नसीब होनी वो भी कुल कायनात तेरा जे ते मैं समझ गया जै मत लाया ताइयो दिता ई साफ जवाब है। अच्छा, ते तेरा हक नाई बनदा संग गैर दे रल के सानू करना इंज बर्बाद है डंग गुजर वेन तकलीफां दे रासी गल जफरी नूं याद है। और मुड़ भी उसकी सेहत ते कोई असर नहीं होया क्योंकि जिहड़ा वक्त परस्त हुंदा है वह वक्त तो बाद वो हर चीज ही उस बंदे दी इग्नोर करदा जिस वक्त उसनू उस दे नाल मकसद हुंदा है उसनू वो अपने आप च हर चीज तो अगे समझदा जिस वक्त उसका वक्त गुजर जाए उसनू नफरत दी निगाह नाल देखदा। ठीक हो गया जी। ते वो एक पंजाबी ते उर्दू अंग्रेजी त्रै जबाना मिक्स करके लिखे हुआ दौड़ा छोटा जिहा जी। नादरीन त्रियों जबाना दे विच शहर की मेहनत वेखो ते शहर का रंग वेखो उर्दू अंग्रेजी ते पंजाबी दे विच उन्हें अपने ख्याल का इजहार किवें कीता आओ जी सुनदे हां। कदी कदी शौकिया सज्जन तू ए लोंदो तेरी आण करें दो मीठे ते मैं हस के आदम हाउ आर यू तू आदम आई एम ठीक है। अच्छा, तेरी हेल्थ नु चन्नी के होया है तेरा जिस्म के इतना वी के यू कैन गो जफरी हो जाए तो अगवा दो तू कबड़ी के। वाह 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 वाह। नादरीन शेरी शेरो शायरी तो बड़ी सुनी लेकिन तीन जबाना दे विच वीक मीट ए लफज क्या बात है जी। जफरी साहब होर सन तुसी जिहड़ा ओ इस तो इलावा होर भी कोई सौ साल भी जिंदगी क्यों ना होवे बंदा यार पराना हुंदे। अच्छा, जिहड़ा पकदा है फल उत्ते टीणियां दे उस आखर डाणा। अच्छा, ते दुख सुख इंसान दी जिंदगी विच गम आखर साणा हुंदे चंगा सज्जन जफर इस दुनिया ते एक कीमती गाणा हुंदे। वाह वाह वाह। चंगा सज्जन जफर इस दुनिया ते एक कीमती गाना हुंदे। अच्छा अच्छा जफर साहब ये दसो कि तुहाडा चुके कत्ती दे उत्ते गारे
कच्चे गुर ने पठाना दे जी ठीक है इधर बेचा के तुसी जदो चनाह दी कद्दी ते बंदे हो जी दरिया चल रहा है जी चनाह दी कद्दी ते बैठ के साढ़े जेड़े एमडी साहब है ना तबस्सुम फारूक साहब जी जी इन चीजों का बड़ा शौक रखते हैं जी ते मैं गुजारिश करांगा एमडी साहब नाल भी कि एमडी साहब भी इस चीज नु जरा अपने दिल दे सरूर नाल सुन साढ़े कैमरामैन बशीर साजन साहब ने वह भी चुके शेरो शायरी नाल कुछ थोड़ा बहुत तलक रखते हैं एमडी साहब चुके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने साढ़े एस 48 न्यूज़ टीवी चैनल के तबस्सुम फारूक साहब जड़े ने तो उन्होंने एक फरमायश आई तो मेरा दिल से कि वह जफर साहब जफर उर्फ जफरी कि जनाब उस दे हवाले नाल कि जदों दिल दिल जुदा होंगे तो उस वक्त की कैफियत होंगी ओद उत्ते कोई शेर जड़ा या ओद उत्ते कोई दौड़ा सन सुनाओगे सज्जन दे घर हलका सदका लिया भाई मेरा खत लै जाओ ठीक है दस दादा भाई मैं तो घर वेख्या नहीं मैं दस नक्शा की है जाना किते किस रास्ते ते जाना कोई निशानी दस जी जी उन निशानी बता दस रहा ले कासद ढोल दे घर दा नक्शा उदे बुए ते यार बगैने ठीक है ते चेहरा वांग गुलाब दे ही उसदा हिस्सुबो शर्मीले नैने अखी तू ते सुख दियां सहमैना है मेरे लुट के अमन ते चैने ते तेरा जफरी तेरे रावां ते दे राती करते ही बहने ठीक है कासद चला गया ठीक हो दो दिन तो बाद कासद वापस आया दरिया दी मन ते बैठा कासद नूं आखदा हां मिले या कोई ना कासद एक खत दिता लिफाफा खोलिया विचों टुकड़े लते छोटे छोटे उस खत के टुकड़े होए वो वेख रहा ना टुकड़े ते दोस्त पुछते भाई ये की वरे बाद सज्जन नूं खत लिखिया बड़ी शौक दे नाल बना के ते दोवें हाथ लाए हन उहदे कदमां ते रत्ती स्याही नाल नक्श बना के वाह वाह ते कई वार रसाई दा लफ्ज भी लिखिया उहनूं वास्ता रब दा पा के कई करके पुरजे खत जफरी दे पाया वापसी सजना डा के कासद रुना है कासद नूं आहदा रोंदा क्यों है मत्थे लगा ही कई गल होई या के किसी होर ही खत दे टुकड़े कीते कासद आहदा मत्थे लगा ता हा पर के आखां दित्ता इहो जिहा सज्जन जवाब है तेरा नां सुणिया उस रंग बदल गयो हासू हो गया मूड खराब है अच्छा ते गल्लां सहजियां होईयां हर गल दा हाया दिन दा उल्ट जवाब है अच्छा असी मुद्दत दा जफरी तेनू भुल गए हां अजे सन करना है तू याद है वाह 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 अदा हो सकता कासद झूठ ही मारता होवे वद खत लिखिया से अदा तुसी याद करो ओ मन दरिया दी इंजे डीगर ते इतवारा वाह वाह अच्छा ते मैं परसों लाजमी हट उसा की तवा दा खुद सरकारा वाह वाह सुवार मंगल लगे यार उड़ीक च डिठा उखा बहु बुधवारा वाह वाह जिमे रात नू ईद आई शहर च जफरी मेरे सां दी तंग रफ्तार गरीब नामू सदाया अखी वतन मई तो छुड़ाया अखी वाह वाह जफरी अखिया चपखियों कढ़िया बिगाने शहर च पिनाया अखी वाह वाह क्या बात शिकार दी खातर शिकारी रब तू मैनू मंग लिया है उस जूड़ गत के जूड़े दा तन मन जफर दा टंग लिया वाह वाह एक गलती होई आई विच सावन दे नंगे पैरी टुर पियो कोई मांदरी चगो लोआ एक सपनी मैनू डंग लिया वाह वाह ते सज्जन बीमार आ पुछी ना आयम किराया पुछनी जुड़ी ना आयम अच्छा ऐ गुरबत तू शाला न जांदी दिसे तड़ींदा वत्यम वंजी ना आयम वाह वाह जी नाजरीन ए सन जनाब साडे कोल जिला सरगोधा दी तहसील कोट मोमन तहसील कोट मोमन का इलाका थाना लक्सियां कच्चा गुरना पठाना दा दरिया दी कद्दी दे शायर जनाब डॉक्टर जफर जवेद सलीम साहब आल मारूफ जफरी खान पठान जिन्होंने अपने ख्यालात दा इजहार
मुख्तलिफ शेरों नाल कीता अपने मुर्शिद की तारीफ की। नाजरीन प्रोग्राम क्यों जहा लगा तो एक कमेंट से ही दस है साढ़े इस चैनल नू एस 48 न्यूज़ नू सबसक्राइब करना, बैल का बटन दबा देवे ताकि आने वाली शहरी जी थोड़े को जल्दी पहुँच जाए। नाजरीन ये नाल ही अपने मेज़बान असगर अली हैदरी नू इजाजत दियो, अगे एक नवे शहर की शहरी दे नाल अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे। उस वक्त तक इजाजत, वेदर रहो एस 48 न्यूज़ HD प्रोग्राम महफिल मुशायरा। अल्लाह हाफिज़।